गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन। ये स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग द चैप्टर नंबर 5। अभी में से जैसे ये जो है पावरफुल जो हाथी है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब नाउ लेट स्टार्ट फ्रॉम द फर्दर। व्हाट अ पिटी, कितना सुंदर है। यू कुड नॉट अप्रिसिएट सच अ वंडरफुल एलिफेंट। और जो है ना, तुम्हें जो है इस इतने जो है वंडरफुल जो हाथी है उसने तुम्हें जो है अभी तक इसको प्रशंसा नहीं किया। व्हाट अ सो लॉयल टू यू, जो कि तुम्हारे जो है फेवर में है, तुम्हारे हक में है। यू इवन ट्राई टू किल इट, और तुमने इसे मारना चाहा। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन अ फुलिश पर्सन, हमेशा याद रखो जब भी कोई जो है बेवकूफ इंसान पॉसेसेस अ प्राइसलेस थिंग, यानी कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं होती, उसके बारे में अगर इस तरह से करता है, ही कैन नेवर रियलाइज इट इम्पॉर्टेंस, और वो बंदा कभी भी जो है उस जो है खूबी को नहीं रियलाइज कर सकता। एंड सेम थिंग हैपन टू यू, और वही चीज़ तुम्हारे साथ हुई। एज यू एज वेल, और तुम्हारे साथ, जैसे मतलब कि अगर कोई भी अच्छा इंसान है, अगर उसकी तुम खूबी नहीं देख करके उससे जेलस होकर के उसको नुकसान पहुँचाते हो, तो ये तुम्हारी कमी है। एंड ऑन रीचिंग एंड दे फ्लू अवे कीपिंग द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स स्पीचलेस, और उसके बाद वो वहाँ से उड़ गए उनके मिनिस्टर और राजा को जो है जो स्पीचलेस छोड़ के, यानी कि वो कुछ भी नहीं कह पाए। ऑन रीचिंग वाराणसी पहुँच के द एलिफेंट स्टूड स्टिल इन द स्काई, जो है आसमान पर जो है हाथी खड़ा हो गया। अबव द प्लेस गार्डन, जहाँ पे राजा का महल था उस गार्डन के ऊपर। हे लुक, देयर इज एन एलिफेंट इन द स्काई, अरे देखो वो हाथी ऊपर आसमान में दिख रहा है। क्राइड अ चाइल्ड, एक बच्चा चिल्लाया। द वर्ड्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, और उसकी ये बात एक जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। एंड एवरीबॉडी come out in the streets to have a look at such a wonderful sight, और सभी लोग जो है घरों से जो है स्ट्रीट में, यानी कि बाहर आ गए यह देखने के लिए कि वो कितना सुंदर दृश्य है कि हाथी आकाश में खड़ा है। As soon as the news reached the king, और जैसे जैसे ये समाचार राजा के पास पहुँचा, he too rushed out, वह भी बाहर आया। He was a wise, वो बुद्धिमान था। And a noble king, और जो है एक noble king था। He realized that it was not an ordinary elephant, और वो अपनी बुद्धिमत्ता से उसको ये आभास हो गया कि ये कोई साधारण हाथी नहीं है। He addressed the elephant, उसने elephant की तरफ addressed यानी कि होके कहा, विद रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट यानी कि आदर सहित। आई एम इंडीड ऑनर्ड दैट सच अ डिवाइन एलिफेंट एंड इट्स अफेक्शनेट महावत हैव कम टू माई किंगडम, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा पवित्र हाथी और इतना जो है सदा हुआ उसका महावत मेरे किंगडम में आया है। इफ The purpose of your arrival is to help me, अगर आपका आने का कारण मेरी मदद करना है, with looking after my subjects, और जो मेरे यहाँ लोग हैं उनके बारे में अच्छी बातें, मतलब उनके हित में सोच कर आए हो, then please come down here in my garden, so please आप garden में उतर जाइए। The elephant calmed down, और हाथी नीचे आ गया। The king at once realized its divine quality, और राजा ने उसकी जो है दिव्य शक्तियों के बारे में आभास हो गया। And the people greeted it with joy, और लोगों ने उनका जो है स्वागत किया। The elephant was Buddhasvita since, और जो है elephant जो है वो कौन था, बुद्धिस्विता था। Since the king had taken good care of it, और जो है राजा ने उसकी बहुत ही अच्छी जो है केयर की थी। It good fortune followed in the king's life, और उसको जो है राजा की जिंदगी में बहुत ही एक महत्व था।
His kingdom expected and his riches also multiplied. और जो है उसकी जो खूबी थी और उसकी जो है उस राजा की जो है प्रजा भी बढ़ी और आसपास के इलाके भी उसके अंडर आ गए. ही डिवोटेड हिज लाइफ टू द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ. और उस हाथी ने राजा की वफादारी के साथ साथ उसकी राज्य की खुशी और उनके उसमें राज्य में रहने वाले लोगों की जो है खुशी के बारे में अपनी जो है पावर को इस्तेमाल किया और तब तक उनकी सेवा की जब तक कि वो जीवित था. सो स्टूडेंट, अब इस पूरी जो है इसमें चैप्टर में एक दो बारे में बताया, दो राजाओं के बारे में बताया था कि एक तो ऐसा राजा जो उसकी खुशी देख करके जलता था और एक ऐसा राजा जो उसकी खूबी को जानता था और उसने उसकी हेल्प करके उसकी रिस्पेक्ट करके अपने राज्य को ना ही इंक्रीज किया बल्कि अपने रहने वाले उनको उनको भी खुशहाल बनाया. सो स्टूडेंट, इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी की प्रशंसा सुनकर उसकी खूबियों को देख करके हमें जालिस नहीं होना चाहिए, हमें बल्कि उनकी खूबियों को जो है अपने लाइफ में अपनाना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए. सो स्टूडेंट द सेम थिंग नाउ यू हैव टू डू एज यूजुअल द वर्ड में.